हेलो दोस्तों मैं हूं काशिफ अंसारी स्वागत है आपका एम बाइब नेटवर्क पर करंट अफेयर्स पढ़ने का पुराना तरीका भूल जाइए अब बदल गया है अंदाज नए फॉर्मेट में सब कुछ नया है अब पढ़ाई होगी मजेदार और लर्निंग होगी शानदार रात के बच चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ तो भाई साहब जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके जय हिंद ऑफिसर्स आ जाइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने अचीव डिफेंस पर क्या बात है हाय हाय निहाल मिहिर धनंजय मिहिर वसुधा असगर अजय सोंटी रॉय सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी क्लास में फटाफट जुड़ते जाइए और मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि हम लोग आ चुके हैं विश्वजीत आ जाइए तो आज हमारा करंट अफेयर्स है भाई साहब पांच जुलाई दो आ जाइए बच्चों तो अगर अभी तक आपने एमवाइब की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट एमवाइब की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए मैंडेटरी ऐप है सभी लोगों के लिए जो भारत में एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कहते हैं कि आपने एक सपना देखा है ऑफिसर बनने का उस ऑफिसर बनने के सपने के ओर आप आगे बढ़िए हम उंगली पकड़कर आपको सपने तक ले जाएंगे यह हमारे एमवाइब का वादा है लेकिन अगर आपको एक कदम तो आगे बढ़ाना होगा मतलब आपको अपने सपने के ओर बढ़ने के लिए शुरुआत करनी होगी हमारे साथ जुड़ना होगा <coughs> क्योंकि एम बाई मैप पर हर चीज आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है आप जो है अपनी सारी फेवरेट किताबें पढ़ सकते हैं लाखों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट दे सकते हैं अपनी अचीव जर्नी क्रिएट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को हमसे सीधे आप व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर कर सकते हैं आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो व्हाट्सएप का भी एक लिंक आपको दिया हुआ है जहां पर आप डायरेक्टली हमसे जो है व्हाट्सएप पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और करेंट अफेयर्स आपको मालूम है भाई साहब जो छूट गया <coughs> कहते हैं ना जिससे छूटा वो गया भाई साहब करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है मतलब ये ऐसी चीज है मतलब इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लो जैसे रोज खाना खाते हो ना बेटा रोज ब्रश करते हो रोज नहाते हो वैसे करंट अफेयर्स को भी ना अपने जीवन का वैसे ही हिस्सा बनाना होता है मतलब करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जहां पर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये आपको एग्जाम पास करने में मदद करेगी अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी देश दुनिया की खबरों से अवगत रहना आपका अधिकार है बच्चों को और अगर आप डेली 40 से 45 मिनट मुझे देते हैं तो आपको कोई न्यूज़पेपर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है इतना मैं वादा कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स अगर आपने मेरा पढ़ लिया तो हर चीज आपके लिए मुमकिन है क्योंकि आज के समय में करंट अफेयर्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है और करंट अफेयर्स के बगैर जीएस का पोर्शन नहीं हो सकता अब आपको इसके लिए आप कहोगे सर इसका पीडीएफ कहां मिलता है तो हमारे करंट अफेयर का पीडीएफ जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एम्बाइब अचीव डिफेंस वहां पर उसको अवेलेबल हमने कराया है तो भाई सब लोग आ चुके हैं गौरव सैले संकेत राहुल विश्वजीत सभी लोग आ जाओ और मुझे हरी झंडी दिखा दो कि सर सेशन स्टार्ट किया जाए एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो फिर शुरू करते हैं आज का हम शानदार सेशन ठीक है सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर जो लेकर आई हैं मेरी सहयोगी एमबी तुर्केमेनिस्तान में पुतिन ने किया कैस्पियन समिट अटेंड युद्ध के बाद पहली बार देश के बाहर का दौरा उड़ीसा की काई चटनी के लिए जीआई टैग की मांग वीवर एंड से बनाई जाती है ट्राइबल डिश मलेशिया ने किया मिग 29 एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस चुना एच द्वारा बनाया गया तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट केरला के थिसूर में एंथ्रैक केस हुआ दर्ज राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइंस ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन पर दिए जाएंगे टैक्स ब्रेक्स और जीएसटी एस नीति आयोग की रिपोर्ट हुई रिलीज हेलो बच्चों तो उम्मीद करता हूं कि आज की हेडलाइंस पर आप लोगों ने नजर डाल ली होगी और यह जरूर बताइएगा कि हमारा जो नया अवतार है करंट अफेयर्स का जो हेडलाइंस वगैरह दिखाने का है यह आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आपको लग रहा है ये अच्छा है या नहीं है इस बारे में अपने फीडबैक जरूर दिया करिए चलिए पहली खबर पर आते हैं <coughs> और पहली खबर आ रही है बेटा नेशनल इंटरेस्ट से देखो बच्चों ये खबर लगातार पिछले साल से बनी हुई है पिछले साल से लगातार बनी हुई है और काफी खबर है इन मार्केट में वो है बेटा ग्रीन हाइड्रोजन और मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि ये लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड ग्रीन हाइड्रोजन मतलब एक फ्यूचर है कह सकते हैं आप और भारत इस पर बहुत एम्फेसिस कर रहा है पिछले साल से ही आप देख रहे होंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी इसके बारे में काफी बार बात की है तो आइए देखते हैं तो यहां पर देखेंगे तो टू बूस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन द कंट्री द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग हैज रिकमेंडेड टैक्स ब्रेक्स लाइक रिडक्शन और ऑफ जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटीज ऑन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्या बात है अब होता क्या है कि भारत सरकार चाह रही है कि हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो और मास लेवल पर हो बहुत ज्यादा हो अब होता क्या है कि बेटा जब आप चाहते हैं किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़े और आप लोगों से चाहते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगे बड़े बड़े प्लांट्स लगे और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़े तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ लुभावदी चीजें देनी पड़ेंगी तो जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है जिसका नाम है नीति आयोग आप जानते होंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 को की गई थी अब नीति आयोग ने रिकमेंडेशन दिया है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उस पर जो है हम बहुत सारे फायदे देंगे जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम जीएसटी पर रिडक्शन कर देंगे दूसरी चीज हम जो है जीएसटी एग्जाम कर सकते हैं किसी किसी केसेस में प्लस ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट लगाने के लिए जो मशीनरीज आप विदेशों से इंपोर्ट करेंगे उस पर जो है हम क्या कर सकते हैं एग्जामेशन दे सकते हैं आपको हम जो है रिडक्शन ऑफ एक, इंपोर्ट ड्यूटी कर सकते हैं तो सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो और इसको लेकर के नीति आयोग जो है काफी लुभावने ऑफर्स लेकर आई है याद रखिएगा ठीक है आगे देखते हैं तो अब ये देखिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है तो कलरलेस ओडरलेस टेस्टलेस नॉन टॉक्सिक एंड हाईली कंबस्टेबल गैसिय सब्सटेंस हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स ये सबको मालूम है बेटा तो हाइड्रोजन जो होता है बेसिकली कलरलेस है ओडरलेस uh, है टेस्टलेस है नॉन टॉक्सिक है और बहुत ज्यादा कम्बस्टेबल होता है का मतलब होता है कि ये आग तेजी से पकड़ता है याद रखिएगा ठीक है हाइड्रोजन इज इट ओनली एज अ बाई प्रोडक्ट अब होता क्या है कि हाइड्रोजन को जब आप जलाते हैं तो उससे जो बाई प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ पानी निकलता है ठीक है मीनिंग नो हार्मुल ग्रीन हाउस गैस एमिशन फॉर दिस रीजन एन अट्रैक्टिव फ्यूल फॉर द फ्यूचर ठीक है बेटा मतलब <coughs> यह है कि अब जब हाइड्रोजन होगा अब हाइड्रोजन जब होता है तो इसका जो बाई प्रोडक्ट है वाटर है अब वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो इससे कोई फर्क नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर को प्रॉब्लम तब है है जब बेटा ग्रीन ग्रीन हाउस हाउस गैसेस गैसेस का एमिशन बढ़ता क्योंकि जो होती हैं वो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है एटमोसफेयर में जब ट्रैप होती है तो अर्थ का तापमान बढ़ता है जब अर्थ का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उनका पानी समुद्रों में जाएगा पानी समुद्रों में जाएगा तो सी लेवल अपने आप बढ़ेगा तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और क्योंकि ये आने वाले समय में जो है फ्यूचर का फ्यूल हो सकता है एक अल्टरनेट हो सकता है पेट्रोल और डीजल का इसीलिए सरकार इस पर बहुत ज्यादा वो देख रही है इस पर बहुत उम्मीद लगाए है सो तो उम्मीद करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन पर जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा आई होप सबको ये क्लियर है पहली खबर सबको क्लियर है तो जल्दी से यार एक बार सारे लोग लाइक और शेयर करें और बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं जी बहुत बढ़िया शाबाश ओके आ बेटा वसुधा मैं जल्दी ही पढ़ाऊंगा आपको मंथली करंट अफेयर्स टेंशन ना लीजिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पर ठीक है अब देखिएगा अब देखिए दूसरी खबर आ रही है नेशनल इंटरेस्ट बहुत बढ़िया बेटा यह भी एक बड़ी शानदार खबर आ रही है नेशनल इंटरेस्ट से देखिएगा मंडाविया रिलीज नाइन्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्मोकोपिया एक्सटोर्ट्स डोमेस्टिक फार्मा क्या बात है तो आपने सुना होगा बेटा इंसाइक्लोपीडिया आपने सुना होगा इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है किसी भी चीज का जहां पर कलेक्शन हो वो इंसाइक्लोपीडिया है वैसे बेटा फार्मो फार्माकोपिया होता है फार्माकोपिया क्या होता है बेटा मेडिकल डिक्शनरी होती है तो मेडिसिन की डिक्शनरी जो है बेटा उसे फार्माकोपिया कहा जाता है और मनसुख सिंह मंडाविया साहब ने भारत का जो है याद रखिएगा नाइन्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया रिलीज कर दिया है याद रखिएगा सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया रिलीज द नाइन्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्मोकोपिया एंड स्टेटेड दैट द कंट्री शुड वर्क टुवर्ड्स गेटिंग द आईपी पी एंड एंडियन एप्रिशिएटेड वर्ल्ड वाइड ठीक है तो ये चाहते हैं कि पूरे देश दुनिया में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है इसका इस्तेमाल हो याद रखेगा सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे मनसुख सिंह मंडाविया साहब याद रखिएगा पहले पोर्ट्स के मिनिस्टर भी थे <laughs> अब देखिए अगर बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब्स ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स प्रोड्यूस एंड मार्केटेड इन इंडिया दस कंट्रीब्यूटिंग टू तो द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन इट इंटेंड्स टू हेल्प इन द लाइसेंसिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री. तो होता क्या है इसके अंदर अंदर भारत के अंदर, जितनी भी आप कह सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया है, है इसीलिए आ जाता है, सो इन नवा एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का जिसे रिलीज किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ मनसुख सिंह मंडाविया साहब ने याद रखिएगा ठीक है अब देखिए आईपी इज द ऑफिशियल बुक विच कंटेन स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940. फोर्टी टेन लॉ फोर कंट्रीज अफगानिस्ताना एंड मॉरिशस है जिसमें बेटा अफगानिस्तान है घाना है नेपाल और मॉरिशस मॉरिशस आप जानते हैं हमारे पुराने बहुत अच्छे रिश्ते हैं नेपाल से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं घाना अफ्रीका का एक कंट्री है अफगानिस्तान से भी हमारे रिश्ते लगभग लगभग ठीक ठाक ही रहते हैं तो ये चार देशों ने भारत का जो आईपी है जो इंडियन फार्माकोपिया है उसे एक्सेप्ट किया है कि एज ए स्टैंडर्ड बुक लेकिन अब भारत चाहता है कि सिर्फ ये चार देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी इसे एक्सेप्ट करे याद रखेगा सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाँ जी हम्म हम्म बहुत बढ़िया क्या बात है शाबाश जल्दी से यार कमेंट करते रहा करो पूजा रॉय भी बता रही हैं बहुत बढ़िया और जब ये लोग कहते हैं ना सर क्लियर सर बहुत बढ़िया तब मुझे लगता है कि हाँ चीज अच्छी चल रही है आगे नेक्स्ट <coughs> तीसरी खबर आ रही है ये देखिएगा भाई साहब ये देखिएगा बियॉन्ड बॉर्डर तो व्लादिमिर पुतिन टू लीव रशिया फॉर फर्स्ट टाइम सिंस द यूक्रेन इन्वेशन तो भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी समिट होने जा रही है जिसका नाम है कैस्पियन समिट अब कैसपियन समिट क्या है बच्चों आपने कभी मैप uh, देखा होगा तो आप देखेंगे कजाकिस्तान के नीचे एक सी है जिसका नाम है बेटा कैस्पियन सी हालांकि लोग उसे सी कहते हैं लेकिन फैक्ट अगर बताऊं तो कैस्पियन सी इज नॉट अ सी इट इज अ लेक क्योंकि बेटा इट इज अ वाटर बॉडी विट इज सराउंडेड बाई बाई लैंड फ्रॉम फोर साइड सो एक ऐसी वाटर बॉडी है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी है और इसी वजह से वो सी नहीं कहलाती है लेकिन वो लेक इतना बड़ा साइज में है लाखों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसीलिए लोग उसे बेटा कैस्पियन सी कहने लगे एक्चुअली में इट इज नॉट अ सी बट इट इज अ लेक इट इज द बिगेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड याद रखिएगा इसके सॉरी दुनिया का सबसे बड़ा लेक है याद रखिएगा सी नहीं दुनिया का सबसे बड़ा लेक है और सबसे बड़ा सॉल्टी लेक भी वही है याद रखिएगा <coughs> तो सिक्स समिट ऑफ द हेड्स ऑफ द कैस्पियन लिटोरल स्टेट्स जिसमें तुर्केमेनिस्तान अजरबैजान ईरान कजाकिस्तान एंड रशिया याद रखिएगा टुक प्लेस इन अश्कगाबाद तुर्केमेनिस्तान ठीक है हाँ जी सो समिट ऑफ ऑफ द द हेड कैस्पियन कैस्पियन लिटोरल लिटोरल स्टेट्स स्टेट्स तो जो है उसके अंदर बेसिकली पांच कंट्रीज आती हैं उनके स्टेट्स उनकी जो मीटिंग है वो बेसिकली अशगाबाद में हुई है तुर्कमेस्तान में तो पांच देश के लीडर्स हैं जिसमें इनको आप पहचानते ही होंगे श्री व्लादिमिर पुतिन साहब जो उन्होंने यूक्रेन पर हमला कर बैठे हैं और उसके बाद काफी दुनिया भर में तबाही भी मच रही है और इनकी काफ़ी लोगों ने प्रशंसा भी की है कई लोगों ने इनका विरोध भी किया है देखो बेटा दुनिया में एक बहुत बड़ा सत्य है कि दुनिया में अगर किसी इंसान की कोई प्रशंसा करता है तो उसका विरोध भी है क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस है मतलब क्या है कि अगर किसी के लिए कोई चीज़ प्रशंसा है तो किसी के लिए वो चीज़ बेटा जो है वो विरोध है किसी के लिए कोई चीज़ खुशी है तो किसी के लिए वो चीज़ गम भी है तो बेटा ये ऐसी चीजें हैं जो आप बिल्कुल नहीं कर पूरी नहीं बता सकते ठीक है मतलब ये गारंटी नहीं है ठीक है कि वो सही है गलत है गलत आगे देखिए यहां पर द लीडर्स डिस्कस्ड इशू ऑफ इंटरक्शन इन द कैस्पियन सी बाय द एंड ऑफ द मीटिंग द लीडर्स एडोप्टेड द कम्युनिक ऑफ द सिक्स समिट ऑल्सो ऑन द साइडलाइंस ऑफ द सिक्स कैस्पियन समिट

कैपिटल है क्लियर है आगे नेक्स्ट अब ये देखिएगा भाई साहब अब देखो बेटा अगर हम यहां पर बात करते हैं ठीक है ये 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 क्वेश्चन जो जो है 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 वो कई बार एग्जाम में पूछा गया यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट होती है, ये मतलब एक ऐसी रिपोर्ट है जो यूपीएससी को बहुत पसंद है हमारे देश के जो बड़े संस्थान है ना बेटा उनको बहुत पसंद है ये वर्ल्ड हैबिटेट सिटीज रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये रिपोर्ट रिलीज हो गई है इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन टू स्टैंड सेवेंटी फाइव मिलियन इन दो हजार भाई बिहाइंड इनका कहना है कि सन दो हजार में भारत की शहरी आबादी सड़सठ करोड़ होगी और चाइना की शहरी आबादी सौ करोड़ पार कर जाएगी शहरी आबादी बेटा आपको मालूम है कि शहरों की आबादी गांव के कंपैरिजन में कम होती है तो शहरों की आबादी जो होती है वो गांव के कंपैरिजन में कम होती है और इनका कहना है कि भारत की जो आबादी होगी 2035 में वो भाई साहब करीब सड़सठ सड़ करोड़ के आसपास होगी द यूनाइटेड नेशन है बाईस रिलीज द कोविड 19 पैंडमिक ली डिलेड रैपिड अर्बनाइजेशन ठीक है तो इनकी जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की हैबिटेड वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट तो हैबिटेड यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट है 2022 की उसने कहा है कि दुनिया में अर्बनाइजेशन स्लो हुआ है कोविड नाइनटीन की वजह से क्योंकि कोविड नाइनटीन में क्या हुआ है आप देखेंगे तो माइग्रेशन हमेशा रूरल एरिया से अर्बन की ओर होता है लेकिन जब कोविड नाइनटीन आया तो रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला लोग शहरों से गांव की तरफ भागते हुए दिखाई दिए तो यूनाइटेड नेशन के जो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट है उनका कहना है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है हालांकि उस पर टेम्परे ब्रेक जरूर लगा कोविड नाइनटीन पैंडमिक की वजह से याद रखिएगा ठीक <coughs> है तो व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट जिसे कहते हैं इट इज द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स इट इज मैंडेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1978 सेवेंटी एट टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन एंड सिटीज टू प्रोवाइड एडिकुएट शेल्टर फॉर ऑल ठीक है तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1978 में इसे लागू किया था याद रखिएगा और इसका जो मेन काम है वो ये है कि टू तो प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज ठीक है तो सोशली एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज टू एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल मतलब ऐसे शहर होने चाहिए दुनिया में जहां पर सभी को जो है शेल्टर मिल सके और वो शहर सोशली और एनवायरमेंटली बेहतर होने चाहिए याद रखिएगा तो ये यूनाइटेड नेशंस का है याद रखिए आ जाइए बहुत बहुत स्वागत है फटाफट यार सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो अभी तक तुम लोग <coughs> एक बार जरा सारे लोग लाइक और शेयर जरूर दबाएं और एम की ऐप अभी तक भैया लोगों ने डाउनलोड नहीं की है तो याद रखिएगा ये अपराध हो जाएगा मतलब ये अपराध है अगर आपने एम वाइफ की ऐप डाउनलोड नहीं की है क्योंकि आपको एक ऐसी ऐप है जहां पर सब कुछ मिल रहा है और अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया तो अभी करिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए फाइंडिंग क्या है Finding ये है कि 675 2035, the second highest behind China's 1 billion. तो इनका कहना है कि 2035 में भारत की जो शहरी आबादी है वो 675 मिलियन हो जाएगी याद रखिएगा। तो 675 मिलियन हो जाएगी उसके साथ साथ विद द एग्जिस्टिंग अर्बन पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू राइजिंग बर्थ रेट दो ग्रो फ्रॉम 56 परसेंट इन परसेंट इन 2050 अब इनका कहना है कि इस समय मान लेते हैं मान लेते हैं कि दुनिया की टोटल आबादी इस समय करीब 800 करोड़ के आसपास है तो इनका कहना है कि 800 करोड़ में 2021 तक अगर देखा जाए तो दुनिया में करीब छप्पन परसेंट लोग जो हैं शहरों में रहते हैं लेकिन कहना है कि 2050 तक दुनिया के अड़सठ परसेंट लोग जो हैं वो शहरों में रह रहे होंगे टैकलिंग अर्बन पॉवर्टी एंड इन इक्वालिटी इज वन ऑफ द क्रिटिकल प्रायोरिटीज फॉर तो बिल्डिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल अर्बन फ्यूचर तो भाई साहब अब जानते हैं आप जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके अपने अलग अलग समस्याएं होती हैं याद रखेगा क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई देखो खाना तो उतना ही है खाना भी एक लेवल पर बढ़ेगा और पॉपुलेशन अगर खाने ज्यादा बढ़ी मान लो कि खाना सौ लोगों के लिए बढ़ा और आबादी पांच सौ बढ़ गई तो सौ लोग तो खाना खाएंगे चार सौ भूके रहेंगे अब चार सौ जब भूखे रहेंगे तो उसमें से दो सौ ऐसे होंगे जो बेचारे भूखे होके मर जाएंगे लेकिन दो सौ ऐसे होंगे जो भैया हथियार भी उठा लेंगे फिर वो अपराध करेंगे तो इससे एक साइकिल होती है और एक चीज से बेटा बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है तो पावर्टी का एक और बहुत बड़ा रीजन है कि पावर्टी जो होती है ना बेटा वो क्राइम को भी न्योता देती है याद रखेगा सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू जल्दी बताइए यहां तक सबको क्लियर है फास्ट यहां तक खबरें सबको क्लियर हो गई हैं मुंबई सिटीज दादर एरिया बिल्कुल सही बात है दादर एरिया की फोटो है क्या बात है लगता है मुंबई के रहने वाले हैं संकेत जी हमारे ओके आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे कैटेगरी देख लीजिएगा <coughs> हमारी प्लानिट इन फोकस ठीक है हां जी तो न्यू ट्री शुरू फॉसिल फाउंड इन जम्मू कश्मीर रामनगर कैन प्रोवाइड प्रिसाइज एज एस्टिमेशन फॉर लोकलिटी यह देखेगा सो so, एक नई बेटा ट्री श्रू फॉसिल पाया गया है साइंटिस्ट है ऑफ अ स्मॉल मैमल रिजेंबलिंग स्कूरल्स कॉल्ड द ट्री शो बिलोंगिंग टू द न्यू जीनस एंड स्पीशीज फ्रॉम द रामगर इन जम्मू कश्मीर क्या बात है बहुत बढ़िया

Currently represents the oldest record of fossil jiska tha tupayats in the Shivaliks, extending their time range by 2.5 to char million years in the region. According to the study, the Trishaw can help provide a more precise age estimate from the Ramnagar locality of the Udhampur district, Jammu and Kashmir. Trishaw are scarce ele elements of the fossil records with only a few species known throughout the entire सेनोजॉय एरा ठीक है तो ये सैनोजॉय एरा में करीब पाए जाते थे जो करीब ढाई से चार मिलियन ईयर्स ओल्ड हो सकता है और ये पाया गया है जम्मू कश्मीर के रामनगर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के रामनगर क्षेत्र क्लियर टू ऑल ऑफ यू जल्दी बताइए बहुत बढ़िया <coughs> कैटेगरी आ रही है देखिएगा नई कैटेगरी है ट्रेंडिंग तो विद जीआई टैग मयूर भंज सुपर फूड एंट चटनी सेट टू फाइंड मोर टेबल्स क्या बात है है अब ये ये देख सकते हैं बेटा चटनी होती मयूर मयूर भंज मयूरभ भंज कहां उड़ीसा में और इसकी मांग की जा रही है याद रखिएगा कि इसे जीआई टैग दे दिया जाए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो जीआई टैग की मांग की गई है ये एंट चटनी ये जगह की है उड़ीसा में और आपको मालूम है मयूरभंज आजकल बहुत खबरों में है चर्चा में है क्योंकि हमारे देश की जो मे भी पास प्रेसिडेंट बन जाए जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वहीं से बिलोंग करती हैं याद रखिएगा ठीक है तो वीवर एंड्स प्रिवलेंट इन उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट अमंग द पीपल मोस्टली ट्राइबल्स फॉर द माउथ वाटरिंग फूड आइटम आर सीकिंग अ जोग्राफिकल इंडिकेशन जी टैग ठीक है तो ये देख सकते हैं बेटा इन्हें जो है जी टैग की मांग की गई है ये एक बहुत ही फेमस जो है बेटा एंट चटनी होती है इसका नाम होता है जल्दी बताओ जल्दी इसका नाम क्या होता है हाँ जी इसका नाम होता है काई चटनी हाँ जी देखिएगा तो फॉर डिशेस मेड ऑफ वीवर एंड ऑफर अर टू मेनी इलनेस एंड आर नोन टू तो बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड कीप डिजीज एट बे ठीक है अब देखिएगा तो कहा जाता है कि जो इस एंड से बनी हुई बेटा ये चटनी होती है अगर आप इसे खाएंगे तो इससे बीमारियां दूर रहती हैं ठीक है और कहा जाता है कि इसको खाने से इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से आप कोविड से भी बच सकते हैं ठीक है एनी आगे देखिएगा दिस सैवरी फूड आइटम इज रिच इन वैल्यूएबल प्रोटीन कैल्शियम जिंक वाइटामिन बी ट्वेल्व आयरन मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम कॉपर फाइबर एंड 18 एमिनो एसिड अब देख सकते हैं इसके अंदर जो है प्रोटीन कैल्शियम जिंक वाइटामिन सब कुछ है द ट्राइब्स ऑफ मयूरभंज कंज्यूम काई चटनी और सूप टू गेट रिड ऑफ फ्लू तो बेसिकली लोग जो है इसे खाते हैं फ्लू कॉमन कोल्ड एंड वूपिंग कफ इंक्रीज एपेटाइट एंड एनहेंस विजन एंड आई आईसाइट नेचुरली तो देखिए इससे कितने फायदे हैं लोग जो है इसे जो है बुखार में खाते हैं सर्दी जुकाम में खाते हैं उसके अलावा खांसी आने पे खाते हैं भूख बढ़ाने में काम आती है और उसके बाद जो अगर आपकी विजन आंखें कमजोर है तो उसमें भी फायदा होता है मुझे आजकल खांसी आ रही है मैं सोच रहा हूं खा लेता हूँ है ना तो काई चटनी मंगवाई जाए या तो मयूर भन जाना पड़ेगा खाने के लिए ठीक है हाँ जी ये कह रहे हैं सर ये एंड की चटनी बनाते हैं चीटियां एक्सटिंक्ट हो जाएंगी ऐसा नहीं है बेटा ठीक है हाँ जी <coughs> हाँ जी से टू मेडिकल स्टोर देखिए गौरव मेहरा जो है और मजे ले रहे हैं भाई ये कह रहे हैं कि ये मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे नहीं ये मेडिकल स्टोर बंद नहीं होंगे टेंशन ना लीजिए ठीक है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही है गोविंद साहब एंटीबॉडी इसका काम करेगी हाँ जी तो जी आई टैग की मांग हो रही है देखते हैं क्या होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली खबर कैटेगरी ये देखिए भाई साहब हमारे देश में जब भी कोई बीमारी आती है ना सबसे पहले केरला पहुंचती है उसके पीछे कारण है केरला में लोग ट्रैवल बहुत करते हैं खासतौर से आप देखेंगे केरला में जाएंगे तो लोग मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा है ठीक है और ये देख सकते हैं हेल्थ इन फोकस में एंथ्रैक्स एडवाइजरी इशूड इन कोजी कोड एंथ्रैक्स भाई साहब आप जानते होंगे बड़ी खतरनाक बीमारी रह चुकी है इसने यूएस में एक समय में बहुत तबाही मचाई थी एंथ्रैक्स तो आफ्टर फाइंडिंग रलाटली कंफर्म्ड दिवियर इंफेक्श डिजीज कॉज बाई स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इन द इन द्रिसूर डिस्ट्रिक्टे देखेगा ये बोर है जिसे आप बेटा पिक कहते हैं ये बोर होते हैं वाइल्ड बोर ये जंगली सुअर होते हैं और इनके बहुत सारी कंकाले जो हैं वो केरला में मिली है याद रखिएगा कहां पर थिसूर जिले में और इससे साबित हुआ है कि भाई साहब एंथ्रैक्स फैल रहा है और एंथ्रैक्स जो है बड़ी खतरनाक डिजीज है बेसिकली एक बैक्टीरिया से होती है ठीक है हाँ जी तो ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया से होती है और ये ऑलरेडी यूएस में पहले भी काफी तबाही मचा चुकी है सो तो एंथ्रैक्स जो है वो भारत में इसके केसेस दिखाई दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं एंथ्रैक्स इज अ अवियर इंफेक्शियस डिजीज कॉज बाई ग्राम पॉजिटिव तो ये ये देख सकते हैं बैक्टीरिया है देखो बेटा तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है इनसे होती है इसे हम जो है बेसिलस एंथ्रेसिस कहते हैं ठीक है स्पोर्स कैन इफेक्ट द अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक थ्रोट एंड एसोफेगस तो बेसिकली इसके जो होते हैं ना इससे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपके जो पेट की परेशानी हो सकती है थ्रोट की हो सकती है एसोफेगस की हो सकती है स्टमक है इंटेस्टाइन है कॉजिंग वेरियस सिम्टम्स विदाउट ट्रीटमेंट मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट्स विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स डाई अब देखिएगा अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका आप डेथ रेट देख रहे हैं डेथ रेट इसका पचास परसेंट है मतलब भैया कि दो में से एक इंसान की मौत होगी अगर ये हो जाए अगर ट्रीटमेंट ना हो हालांकि अच्छी बात ये है कि इसका इलाज अवेलेबल है लेकिन अगर इलाज नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है ये ऑलमोस्ट हंड्रेड फिफ्टी परसेंट है आपके लिए क्वेश्चन है आज एक बहुत शानदार क्वेश्चन है इसका आंसर बताइएगा मुझे आंसर यहां नहीं देना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके लिए क्वेश्चन है कि दुनिया में कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें मॉर्टैलिटी रेट ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट है कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका मोर्टैलिटी रेट हंड्रेड परसेंट है मतलब यह बीमारी हुई तो मौत निश्चित है, निश्चित है। दुनिया में एक आध एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए तो जितने लोग को यह बीमारी हुई है उनकी मौत निश्चित हुई है आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मुझे बताइएगा एड्स बेटा एड्स को बीमारी नहीं होती है एड्स इज नॉट अ बीमारी वो लाइफ है एच से वो एड्स में कन्वर्ट होता है तो एच एक बीमारी होती है उससे जो है वो एड्स में फाइनल स्टेज में जाके कन्वर्ट होता है लेकिन एड्स के भी आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे कैंसर <coughs> मिहिर कैसी बात कर रहे हैं कैंसर के तो कितने लोग सही हो गए यार आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कल इसका आंसर बताऊंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए यहां मत डालिए कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए कल बात करेंगे इस बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपल गाइड एंथ्रैक्स वन स्पोर्ट्स एंटर्स द बॉडी थ्रू द ब्रीदिंग ईटिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग कॉन्टेमिनेटेड वॉटर कटिंग द स्कैपिंग हिंस ठीक है द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम नेचुरल ऑफरिज माउथ नोज इनस ब्लॉटिंग इनकम्प्लीट रिगर मोर्टिस एंड द एबेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ठीक है <coughs> तो आप देखेंगे इस तरह से आपके हाथ वाथ पे जो है बड़े स्पॉट्स पड़ सकते हैं ठीक है स्पोर्ट्स हो सकते हैं तो ये काफी खतरनाक होता है याद रखिएगा ठीक है हाँ जी टीबी से बचेगा अरे टीबी तो यार कुछ नहीं है टीबी तो छोटी मोटी बीमारी है आंसर बाद में बताना चलिए आगे अब इसके ट्रीटमेंट कैसे होता है अब मैं डॉक्टर तो नहीं लेकिन लिख दिया है पेनिसिलिन खाओ है ना सिप्रोफ्लैक्सिन खाओ ठीक है अभी खाने की जरूरत नहीं खुद से आगे <coughs> ये देखिए कैटेगरी हेल्थ इन फोकस सिंड्रोम चैलेंज डॉक्टर्स क्या बात है आपने बहुत सारे सिंड्रोम सुने होंगे डाउन सिंड्रोम सुना होगा आपने जो है स्टॉकहोम सिंड्रोम सुना होगा अब एक नया सिंड्रोम आया है जिसका नाम है इडियट सिंड्रोम अब आप कहोगे कौन सा सिंड्रोम आ गया मार्केट में भाई साहब ये नई नई चीजें कौन सी आती रहती है इडियट सिंड्रोम भाई साहब ये ऐसा सिंड्रोम है जो इंटरनेट से पैदा हुआ है आजकल इंटरनेट की लत भी तो कम थोड़ी ना है जहां मन चाहे मोबाइल चला लो अरे बेटा सुधर जाओ <coughs> ये इंटरनेट जो है ना एक दिन दुनिया को ले डूबेगा सच बता रहा हूँ सच बता रहा हूं आपको ये इडियट सिंड्रोम है सम मेडिकल रिपोर्ट है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑबस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट सिंड्रोम हैज बिकम अ चैलेंज इन ट्रीटिंग एजुकेटेड पेशेंट ठीक है आप देखिएगा ट द इंटरनेट डिराइव इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट ठीक है इसे ईडियट सिम कहते हैं यह चैलेंज बन गया है डॉक्टरों के लिए समझिएगा यह क्या है इंटरनेट डिराइव इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट सिम इज वेन पीपल ब्लाइंडली ट्रस्ट द मेडिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन एंड स्टॉप दे ट्रीटमेंट एब्रप्टली अब होता गया है भैया आज कल आपको क्या होता है आपको भाई साहब यहां पर एक दाना हो गया आप तुरंत गूगल करते हैं हाथ में दाना हो गया क्या करें आपने गूगल पे इंटरनेट पे, पे वो पढ़ लिया और उसके बाद खुद ही इलाज कर लिया जाकर ओवर द काउंटर मेडिसिन लिया आए और उसके बाद पता चला आप निपट गए तो भाई साहब ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो लोगों के अंदर भाई भर गया है चेहरे पे कोई स्पॉट पड़ गया तुरंत इंटरनेट पे डाल दिया भैया दाने से कैसे छुटकारा पाया जाए है ना तो भाई ऐसे नहीं होता है डॉक्टर्स क्यों बने हैं गूगल पर हर चीज सत्य नहीं है तो कृपया करके थोड़ा इंटरनेट की दुनिया से बाहर भी निकलें वो बेचारे इतना लाखों रुपया खर्चा करके मेहनत करके इतनी सारी डिग्रियां लेके डॉक्टर बने हैं आप खुद ही जो है अपनी कहानी सेट किए पड़े हैं भाई साहब ठीक है हाँ जी ठीक है एमिट्स द एक्सप्लोजन ऑफ टेक्नोलॉजी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेशेंट्स एंड attendants have इंक्रीज अब डॉक्टरों का कहना है कि भाई साहब पेशेंट आते हैं खुद ही बताते हैं साहब हमें ये बीमारी हुई है और हमने इंटरनेट पढ़ा था ये कुछ नहीं है सही हो जाएगी तो आप याली दवा लिख दीजिए अरे भाई साहब जब डॉक्टर के पास तुम खुद जा रहे हो तो डॉक्टर से कहोगे ये दवा लिख दीजिए अरे भाई डॉक्टर को मालूम है क्या करना है या क्या नहीं करना है सो so डॉक्टरों का कहना है कि भाई साहब ये आजकल तो जानते ही आप हमारे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होता है फेसबुक यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन हो रहा है गूगल यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन हो रहा है फ्री होता है इसका लिए एक आपको वो चाहिए इसके लिए आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए बेरोजगार होना अगर आप बेरोजगार हैं तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकते हैं फेसबुक यूनिवर्सिटी है ट्विटर यूनिवर्सिटी है कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं देश में ठीक है हाँ आराम से कर सकते हैं <coughs> चलिए तो ये इडियट सिंड्रोम है कृपया दूर रहें इससे नेक्स्ट ऑपरेशन डिफेंस क्या बात है ये देख सकते हैं इजिप्ट मलेशिया लुकिंग टू तो रिप्लेस देयर एजिंग फ्लीट विद इंडिया क्या बात है दिस इज गुड न्यूज फॉर इंडिया भाई आत्मनिर्भर तो भारत बनना ही चाहता है डिफेंस सेक्टर में ही क्यों नहीं हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहे हैं हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहे हैं और देखिए भाई एच एल तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है एलसीए हमारे उनको हमें लगता है आने वाले समय में इजिप्ट मलेशिया जैसे देश खरीदने को देख रहे हैं

और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही मलेशिया जो है एल तेजस के ऑर्डर दे सकती है द मलेशियन गवर्नमेंट ऑल्सो दिन मिकटी फाइव एंड वन थर्टी फ्रॉम रशिया हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन हैं जैसे जे एफ सेवनटीन है चाइना का है एफ ए फिफ्टी साउथ कोरिया का है मिक थर्टी फाइव और यैक वन थर्टी रशिया से हाउ एवर दे प्रेस्ड तेजस फॉर अ फार सुपीरियर सुपीरियरक्राफ्ट

तो तेजस के ऑर्डर्स मिलने की हमें काफी अच्छी उम्मीद दिखाई दे रही है तो बेंगलुरु बेस्ड एच एल प्रोड्यूस तेजस आफ्टर बीइंग क्रिएटेड बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इट इज बेस्ड ऑन द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एंड गॉट इज प्रेजेंट नेम 2003। इट कैन आल्सो वर्क इन डेंजरस सर्कमस्टांसिस ठीक है हां जी तो तेजस के ऑर्डर हमें मिलने की उम्मीद है आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है चाइना का माल चलता तो चांद तक वरना शाम तक हाँ ये बात बहुत अच्छी है चाइना का माल चला तो चांद तक नहीं चला तो शाम तक खत्म ऐश करो इंजॉय तो ये आज का करंट अफेयर्स हो गया कैसा लगा करंट अफेयर्स लेकिन अभी क्वेश्चंस बाकी है मेरे दोस्त जल्दी बताओ और एम की ऐप डाउनलोड नहीं की तो फटाफट जाके एम की ऐप को आज ही डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बनाइए महा तैयारी अपने अचीवमेंट को बनाइए अचीवमेंट <coughs> चलो भाई शुरू किया जाए क्वेश्चन शुरू करें चलिए भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं आज हमारे पास सात क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये देखिए कंसीडर द द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन इट इज मोस्ट अबेंडेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट वॉज सेटअप इन द ईस्टर्न असाम डूलिट डाउन जल्दी बताओ <coughs> कौन सा स्टेटमेंट सही है फास्ट 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 कार्रवाई शुरू करो सर पवन स्वशिष बहुत बढ़िया शाबाश जल्दी बताओ ग्रीन हाइड्रोजन भैया ये आने वाले समय का फ्यूचर है सस्टेनेबल बहुत बढ़िया राइट आंसर इज बोथ एंड टू इज द राइट आंसर क्या बात है, बिल्कुल सही है. Right answer, दूसरा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टैंडर्ड्स भूटान घाना अफगानिस्तान नेपाल मैंने आपको बताया था चार देशों ने किया है तो भारत का जो इंडियन फार्मोकोपिया है उसे चार देशों ने स्वीकार किया है जिसमें सबसे पहला है चेपाल ओ oh, सॉरी, चेपाल नहीं नेपाल हाँ जी, पहले सर चाइना का हाथ था नेपाल में चेपाल नाम रख दिया था एनी नेपाल हो गया अफगानिस्तान हो गया घाना हो गया और आपका मॉरिशस हो गया सो राइट आंसर इज भूटान बहुत बढ़िया शाबाश विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ कैस्पियन समिट <coughs> अजरबैजान ईरान रशिया मंगोलिया अरे बहुत आसान है यार इसमें कौन से हैं? तुर्केमिनिस्तान, तुर्केमिनिस्तान, कजाकिस्तान अजरबैजान, रशिया और ईरान ये पांच देश हैं कैस्पियन सी तो राइट आंसर विल बी सी नहीं डी मंगोलिया मंगोलिया इज द राइट आंसर बहुत अच्छे शाबाश वाओ दैबिटाइट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय बिच ऑर्गेनाइजेशन ये सबको मालूम है यूएन एन ऑग्जाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेकि इंटरनेशनल जल्दी बताइएगा <laughs> तो वर्ल्ड हैबिटेट सिटीज रिपोर्ट वर्ल्ड हैबिटेट सिटीज रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस पब्लिश करता है बिल्कुल सही है शाबाश रिसेंटली फॉसिल ऑफ अ स्मॉल मेमल रिजेंबलिंग स्कोर कॉल्ड द ट्रीशॉ शॉ वाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हां जी ये देखिएगा हिमाचल अरुणाचल जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र हाँ जी जल्दी बताइए जल्दी 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसे रामनगर में पाया गया है जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के रामनगर में बहुत बढ़िया काई चटनी इज अ फूड आइटम मेड फ्रॉम रेड वीवर एंड काई बाई द ट्राइबल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाँ जी काई चटनी हाँ जी काई चटनी जल्दी बताओ काई चटनी हाँ जी चटनी 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 जल्दी बताओ चटनी कहाँ की है ये कहाँ गया भाई काई चटनी उड़ीसा हाँ जी उड़ीसा इज द राइट आंसर शाबाश नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का अ डिजीज कॉज द बॉडी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्किन सेल नर्वस सिस्टम दिस इज कॉल्ड अ वेरी इजी क्वेश्चन आपको बताया था से कुछ केसेस केरला के थिसूर में दिखाई दिए हैं और यह बेसिकली गैस्ट्रो ट्रैक्ट पे आपके हमला कर सकता है सो ये हो गया भाई आज का करंट खत्म। इसे कहते हैं महा भाई साहब लगे रहो आगे बढ़ते रहो और करते रहो सब पढ़ें और सब बढ़ें। कहते ना बेटा जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया तो एम की ऐप को डाउनलोड करें और जाकर के सारी किताबों को फ्री में देखें लाखों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दें और अपने डाउट्स को सीधे व्हाट्सएप से क्लियर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा व्हाट्सएप का लिंक आपको दिया हुआ है पंकज भाटी क्या बात है बस आप लोग ऐसे ही साथ देते रहो हंड्रेड क्या यार एक हजार भी पार करेंगे एक दिन बस तुम लोग दिखाते रहो कि हम आपके साथ हैं बेटा तुम हमारे पीछे नहीं हमारे साथ चलो और देखो कि तुम बस अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाओ मैं उंगली पकड़कर तुम्हारे सपने को पूरा कराने का जज्बा रखता हूं तो बेटा हम देर से जरूर आए लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं थैंक यू साकेत टेंशन ना लो सब कुछ शुरू करेंगे शिशिर परेशान ना होव अनाइस डे ऑफ के मिलते हैं कल सुबह सस्काल सुबह मैं नहीं मिलूंगा अमित सर मिलेंगे आठ बजे ठीक है अमित सर आठ बजे नौ बजे आशीष सर तीन बजे अमित सर चार बजे मैं पांच बजे साकेश सर आठ बजे मैं वापस से करंट अफेयर्स जय हिंद जय जै भारत एंड वंदे मातरम थैंक यू कीप वी बिलीव इन यू